तो अभी आपका जंगल सफारी का टूर कैसा रहा? बढ़िया बहुत ही अच्छा, बढ़िया रहा ना? क्या कह रहे हो? हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस मैं हूँ अभी समय माधवपुर राजस्थान में। कल रात को आया था तो कल हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से आए थे। कल का ब्लॉग अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कल का ब्लॉग चेकआउट करो। कल के ब्लॉग में हमने बहुत ही मजे करे और हमारे राइडर कौन है वो आपको कल के ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो पहले फटाफट कल का ब्लॉग देखो तभी आज का ब्लॉग समझ में आएगा। और अभी राइडर को ड्रॉप कर दिया था मैंने रिजॉर्ट में और मैं रुका था इस वाले गेस्ट हाउस में। यहीं पर रुका था, खाने वाने की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी, गाड़ी भी खड़ी करने की व्यवस्था बढ़िया है। तो यहाँ पर सुबह से मैंने गाड़ी वाड़ी साफ कर ली है और अभी हमारे राइडर गए जंगल घूमने। सुबह 6 बजे मैं उन्हें ड्रॉप करके आ गया था, अभी उन्हें पिकअप करने जा रहा हूँ। वहाँ से पिकअप करके उनके रिजॉर्ट में ड्रॉप करूँगा, है ना। और इसके बाद आके नहाएंगे, आज मंडे का दिन अपना फास्ट है आज, तो आज नहाएंगे धोएंगे आके, है ना। तो बगैर देर करते हुए चलते हैं उन्हें पिकअप करने और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं समय माधवपुर से। गो तो गाइस राइडर हमारे आ चुके हैं जंगल सफारी करके। राइडर हमारे वही कल वाले हैं। तो आपने कल का ब्लॉग अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कल का ब्लॉग चेकआउट करो तभी आज का ब्लॉग आपके समझ में आएगा। तो आज के राइडर भी हमारे यही हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सुप्रभात। बढ़िया हो ना आप लोग? बढ़िया। तो अभी आपका जंगल सफारी का टूर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, बढ़िया रहा ना? क्या क्या देखा आपने वहाँ पे? बहुत ही बंदर, बहुत ही मोर, नील गाय। आपका चेहरा नहीं दिख रहा, आप बोल रहे हो मुझे पता नहीं लग पा रहा है, ऑडियंस को भी पता नहीं लगेगा कौन बोल रहा है। अपना फेस सामने दिखाओ ना, सामने आ जाओ कबीर, आप बताओ क्या क्या देखा। हाँ, क्या क्या देखा आपने आप बताओ। हाँ, अब अच्छा लगेगा। बहुत ही मोर देखा, बहुत ही बंदर देखा, नील गाय। अच्छा, एंजॉय किया ना? बहुत डियर सब देखे, बढ़िया। अगर अगर टाइगर नहीं देखा, टाइगर नहीं देखा। बाघ हंट के लिए काफी वेट की हमने। अच्छा, वेट क्या आपको कि सुबह है? लेकिन रणथंभौर की एक्सपीरियंस मस्त थी, बढ़िया था ना। क्योंकि सुबह 6 बजे ड्रॉप करा था मैंने मैम के लिए और अभी 10:40 हो चुके हैं, 11 बजने वाले हैं। तो काफी टाइम घूम के आए हैं लेकिन टाइगर देखने को नहीं मिला ना। हंट था, फिर से आने वाले हुआ नहीं। अच्छा, फिर से आने वाले हैं वन सेकेंड, कुछ ही टाइम के बाद जल्द ही आएंगे फिर देखेंगे टाइगर। तो बढ़िया रहा ना टूर। तो आपने कुछ फोटो वोटो क्लिक करे हैं? हाँ जी। तो हम आपको फोटो और वीडियो दिखाते हैं, आप वीडियो फोटो एंजॉय करो, मैं मैम को करता हूँ ड्रॉप, फिर आगे का टूर बताएंगे कुछ देर के बाद। बाय। सुबह इस राइडर को ड्रॉप कर दिया है उनके रिजॉर्ट में और मैं अब जा रहा हूँ अपने गेस्ट हाउस में। और मैम के रिजॉर्ट से मेरा गेस्ट हाउस तकरीबन 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2.5 किलोमीटर होगा। अब मैं सुबह से नहाया नहीं था, बस मंडे का दिन है और नहाया इसलिए नहीं था क्योंकि मैम का किस समय फोन आ जाए, किस समय मुझे पिकअप करने जाना पड़े, इसलिए मैं वेट कर रहा था मैम के कॉल का। बाकी गाड़ी वाड़ी मैंने बढ़िया से साफ कर लिया, मेरे पास कोई काम और है नहीं, अब बस नहाना है और भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाना है क्योंकि आज मंडे का दिन है, अपना फास्ट है। तो कुछ खाना पीना है नहीं और मैम ने बोल ही दिया है कि 2 बजे तक हमें यहाँ से निकलेंगे, तो आप 2 बजे तक आ जाना यहाँ पे, है ना। तो अब 2 बजे आऊंगा मैं यहाँ पे, पहले जाके नहाना है फिर वहाँ पे आराम से रेस्ट कर लेंगे और फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे, बताएंगे आपको बस कुछ समय के बाद में। मैं आ चुका हूँ अपने गेस्ट हाउस में और देखो यहाँ पे ना नहाने के लिए बाथरूम बने हुए हैं, आराम से फ्रेश फ्रेश हो जाओ और नहा लो आराम से, टंकी लगी हुई है, टंकी का पानी आ रहा है। और रुकने की व्यवस्था कैसी वो भी दिखाता हूँ। अब नहाना है और आराम से रेस्ट करना है इधर ही। तो कुछ इस तरह का है, देखो ये बना हुआ, ये सामने मेन रोड चल रहा है, ये मेन रोड चल रहा है और इसके अंदर ये दिखाते हैं बेड लगे हुए हैं आराम से। देखो इस तरह के बेड लगे हुए हैं सबके, है ना, बढ़िया से। और एक भैया और हैं, उनसे भी मिलवा देते हैं। ये हमारे भैया जयपुर से आए। हेलो सर, कैसे हो? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि प्रजापति है। ऋषि सर हैं, ये जयपुर से आए हो ना आप? हाँ सर, जयपुर। ये जयपुर से कल आए हैं हम, मैं इस बेड पे सोया था, भैया इस बेड पे थे, तो रात को बहुत सारी बातें हुई अच्छे से। तो देख रहे हो ना, रुकने की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। तो अभी बस ज़्यादा देर नहीं करेंगे, नहा लेते फिर आराम से रेस्ट करेंगे बैठ के और 2 बजे निकलेंगे फिर यहाँ से। चलो मिलते हैं कुछ देर के। सो गाइस टाइम हो गया है 1:25 और हम निकल रहे हैं अपने गेस्ट हाउस से। चेकआउट कर दिया हमने, अपना हिसाब भी कर दिया और अभी मैम के रिजॉर्ट में ही 10-15-20 मिनट बिताएंगे, फिर मैम आ जाएंगे, फिर यहाँ से देखते हैं कहाँ जाएंगे, है ना। तो कपड़े हमने सूखने डाल दिए थे, सूख गए, अभी निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं उधर ही पहुँच के। राइडर को पिकअप कर लिया और उनके रिजॉर्ट से हम लोग निकल आए। 2 किलोमीटर के बाद में ये कोई कैफ़े है शायद, तो वहाँ पर वो लोग लंच करने गए हैं, सभी लोग, मैम भी गए हैं, बच्चे भी गए हैं, सब लोग लंच करने गए। फतेहस कैफ़े है, काफ़ी बड़ा है, उधर ही मैं पार्किंग एरिया में खड़ा हूँ। तो बोल रहे थे हम जल्दी आ जाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे।
सो गाइस टाइम हो गया 6:05 और हम पहुंच गए डोसा। डोसा पहुंच चुके हैं, वहां से निकल गए थे लंच करके और रास्ते में कहीं नहीं रुके। पहला स्टॉप हमारा यहाँ का रहा डोसा सीएनजी पंप का। सीएनजी पंप के लाइन में लगे हुए मेरे आगे पास दो गाड़ी है, सीएनजी पड़ जाएगी फिर यहाँ से निकल जाएंगे सीधे हाईवे से और अब कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे गुड़गांव पहुंच जाएंगे 3 घंटे में। और रास्ते में रुक गए 15-20 मिनट के लिए तो लेट भी हो सकते हैं, वैसे 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। यानी हम एस्टीमेट लगा रहे हैं 9 बजे तक हम गुड़गांव पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे। चलो सीएनजी का नंबर आ चुका है, गाड़ी आगे बढ़ा ली है, पढ़वा लेते हैं सीएनजी फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस टाइम हो गया 10:50, हम पहुंच गए गुड़गांव। मैम को ड्रॉप कर दिया उनकी सोसाइटी में और बिल्कुल आज सिर में इतना दर्द हो रहा था क्योंकि भूख आज पता नहीं क्यों ज्यादा लग रही थी, आज भूख बहुत ज्यादा लग रही और वीडियो क्लिप भी ज्यादा नहीं बनाई हमने। हम डोसा से सीएनजी पड़वा के निकल गए, नॉन स्टॉप चले हैं, हाईवे पे नॉन स्टॉप ही चलना होता है क्योंकि हाईवे इतना बढ़िया है। और लाके गुड़गांव में ड्रॉप कर दिया मैम को और सब लोग सो रहे थे, पूरी फैमिली सो रही थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया उनके साथ। बाकी ब्लॉग में काफी इंजॉय किया उन लोगों ने भी, इस ट्रिप में बहुत ही इंजॉय किया। कल का ब्लॉग देखो ना, क्या बताने की जरूरत है, कल का ब्लॉग देख लो आपको पता लग जाएगा कि हम लोगों ने कितना इंजॉय किया है। बाकी मैम से बात हो गई, मैम ने बोला कुछ ही टाइम के बाद में फिर एक ट्रिप बनाएंगे, फिर आपको बुलाएंगे है ना, फिर एक वीडियो बनाएंगे बढ़िया सी। तो अभी लास्ट का रिव्यू नहीं लिया है, बाकी आप ब्लॉग देख के समझ ही गए हो कितना इंजॉय किया है। और सुबह से मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रहा था क्योंकि मंडे का दिन था, मेरा फास्ट था तो भूख लग रही थी। तो अभी मैंने व्रत खोल लिया है, मैं आरडी सिटी के आसपास खड़ा हूँ, यहाँ पे पराठे मिल गए, व्रत खोल लिया, भगवान भोलेनाथ का ध्यान भी लगा लिया बढ़िया से। और हाँ अभी मैं इधर ही गुड़गांव में वेट करूंगा 1.5 घंटे, कोई दिल्ली का ड्यूटी मिलकर चला जाऊंगा नहीं तो फिर इधर ही रुका हुआ हूँ। और सुबह 7 बजे मेरा पिकअप है पहाड़गंज से पिकअप है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास से। तो कल दिल्ली से कहीं बाहर जा रहा हूँ, दिल्ली से बाहर कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, कौन है, कितने लोग है, वो सब कल के ब्लॉग में बताएंगे। जो कल के वाले राइडर है ना वो हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं हमारे साथ घूमने, तो कल उन्हें कहाँ घुमाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या देखेंगे, सब कुछ बताएंगे कल के ब्लॉग में। तो आज वो दिन में 2 बजे आ गए थे फ्लैट से और टर्मिनल वन पे, तो वहां से बोले आज आप ही आ जाओ आज ही। तो मैंने कहा सर मैं तो राजस्थान में हूँ सवाई माधोपुर साइड में, तो उन्हें मैंने लोकल की एक गाड़ी करा के उन्हें लोकल का दिल्ली का साइड सीन करा दिया 4-5 घंटे का और पहाड़गंज में होटल दिलवा दिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में, वो उधर ही रुके हुए हैं। तो कल उन्हें सुबह 7-8 बजे पिकअप कर लूंगा फिर मैं निकल जाऊंगा कहीं बाहर, तो बाहर कहाँ जाऊंगा वो सब कल के ब्लॉग में पता लगेगा, आज के ब्लॉग कुछ भी बताने वाले नहीं है। और आज के राइडर भी बढ़िया थे और आज का रोड भी बहुत ही स्मूथ था, बढ़िया से ड्राइव हुई है और कल भी बढ़िया से हुई, तो राइडर के साथ काफी एंजॉय किया, राइडर ने भी एंजॉय किया। तो बस इस वाले ब्लॉग को ज्यादा नंबर नहीं करेंगे, कर देते हैं यहीं पे एंड, लास्ट में यही बोलेंगे हंसते रहो मुस्कुराते रहो देखते रहो विक्की ब्लॉग, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।